प्रोग्राम में भली कर सोहेल साहब जो हि वायरस है इनके डेल्टा वेरिएंट चवन था चवन था इंडिया का आयो है यो सिंध हुकूमत पांजो जो वफाकी हुकूमत की तनकीद के रदेमल में जो मौकुफ़ दिनों उन में उन्होंने यो भी तो भला यो भी असा बुधा तहाँ तो हि जो वायरस है वो इतना मकामी तो है को यो आयो बाहर बाहर जो अचन था मानू उन चेक करण जी इन सभी मामलों के डिटेक्ट करण जी जिम्मेदारी वह कें वफाकी इदारन जी है ना वो जैसे इमिग्रेशन में अचे तो कस्टम में अचे तो एयरपोर्ट से अचे तो या सामुंडी रस्ते का अचे जितना भी अचे तो उत्ते जो मानू अचे तो उनकी तो एंट्री थी ना उत्ते आयो तो वो तो वफाकी हुकूमत चवन भाई केर आयो केदा वो थो गुजरियल दफे सिंध गवर्नमेंट यो कयो हो तो कुछ मानू अड़ा डिटेक्ट कया तो भाई आयो इन करे ये सजीव थी जी मिसाल तौर शुरू में यो तो भाई जेके ईरानी जायरीन हुआ उन जरिए इतने आयो उनते जेके भी इतने बाकायदा जो अलग उन कैंप टाइप जो ठाए उते उनके डिटेक्ट कयो तो यो जेकर उन जो पेरो खणी उता का यो कजिया तो मुझे ख्याल में एडो वडो इशू न थे आ असल में इन के मतलब फेडरल गवर्नमेंट इन के एकड़ी पॉलिटिक्स करण चाहे थी वो हियर जो उन पॉलिटिकल स्टैंड आए वो पॉलिटिकल स्टैंड यो आ कैम तरीके से पीपल्स पार्टी के या सिंध गवर्नमेंट के लोहजे यो उन एजेंडा है वो ठीक आ मतलब सिंध गवर्नमेंट के बारे में या पीपल्स पार्टी के बारे में जो भी उनके मौकफ़ रखो आ फेडरल गवर्नमेंट के वो भली रहे असा के उन्हें को एतराज़ को असा के रुगो यो आ तो वो घट में घट माहौल की जो हयाती आ उन्हें से सियासत न करण खपे में सिंध हुकूमत जैसे चयो पे अस सभी गालू था ये क्यों था तो इन जाहिर तो फेडरल गवर्नमेंट के अप्रोच तो कर हाँ उन फेडरल गवर्नमेंट तद कुछ नी कर जैसे डिसीशन ही करे उनते इम्प्लीमेंट करण था वन तदें था कन तो यो को एडो अच्छा तर मजे की गाल है तो वही खुद एम क्यू एम जो फैसल सब्जवारी गलो उन भी मुखालफत की माना सिंध हुकूमत की तो भाई यो अमल ठीक ना वो तो उन्हें जो स्टेक है हाँ हैदराबाद की रैली उन कैंसिल कई ना एम क्यू एम तो जका हैदराबाद में रैली कई पे तो वो मुझे तो इतने बेसिकली स्टेक कहीं जो आ भाई एम क्यू एम जो यो स्टेक आए उनो स्टेक देखारे पॉजिटिव शे उन हैदराबाद की रैली कैंसिल किया तो पॉजिटिव शे तो ये जो पंज अठन दिन के इन मुद्दे में केर भी मतलब तो यो चाहिए जैसे पा तमाम ढी दुखी गाल चई सकजे तो मू को बुख को मरी वो अठन दिन में नो डाउट उनमें लॉस थी पर इन के मुकाबले में जैसे कें फैमिली जो को फर्द खुदा न खास था इन वर चढ़ी तो वे तो वो तो एक न पूरे थो जो वो हाल आन जैसे खुदा न खास था कें जो को कमायण वो जैसे पा चम ब्रेड अर्नर वो जैसे वर चढ़ी तो वे उन लास्ट जो तुम अठन दिन के इन बंदिश के बदर तुम में कि वन भाई अठ दिन तुम लॉकडाउन कर वैक्सीनेशन दे वन यो जो तो यो को एडो को वो को यो लास्ट टाइम भी जैसे कर तो अठ दिन को एडो को वो मुझे ख्याल में को उन्हें को आसमान को तो किरी पे अच्छा हाँ सिंध हुकूमत जो सर यो मौकुफ़ है ये जी तनकीद था कन असाते उसे भला यो तो बुधान तो मानुन के भला यो चव यो छो था चवन तो वैक्सीन करायो मतलब इन में असानी मदद छो था कन हाँ यो ढी मदद गाल है तो इन में सजी जी कंपेन हली पे उन्हें मु दिठो तो मीडिया में कल टो ढी का सिंध गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट जो को इश्तहार ये कदको किथे मु दिठो तो उन में आए तो भाई वो वैक्सीन लगरायो पर अड़े अनुसार जी कंपेन थे थी उन तौर से या भाई पब्लिकली जो को लीडर आए बयान तो दियन था ना मीडिया में अचन था बिल्कुल बिल्कुल ता मानुन के चो ना तो भाई ता ख्याल करो ही करो पान वट पीटीआई जा बटे जेके लीडर दोस्त हैं उए डाडो सरगर्म रहंदान सिंध जे मुख्तलिफ इश्यूज ते गलाइंदा प्यान दोरो प्या कंदान उ तो पॉजिटिव गाला पर ही जेका एडी वडी मुसीबत नाजिल थिया उने ते हु यो बिल्कुल ता ठीक ता मानुन के एजुकेट करण ढो जरूरी है भाई जैसे तुम इो ही मैसेज दियो तो भाई यो वैक्सीन कराने तमाम इम्पॉर्टेंट है वो ठीक से मानू कन्वे उनते थे तो मान खबर पे तो भाई न ही फेडरल गवर्नमेंट की पार्टी भी सिंध गवर्नमेंट की पार्टी भी या जो बी जमात उन सभी की उ सब ये समझन थी तो भाई यो वैक्सीन कराने
खपे जो वायरस है कोरोना है यो वाकई खतरनाक है तो उन मामले में संजीदगी पैदा थी उन बदरा तां जदे उनते अमल थन वने तो ओडी मल तां एकडी गैर संजीदगी करे सा यो तो फेटाड वजन जी गाल है। अच्छा हाँ ही पंजो जेके फैसला आन जेके थन ता पे उए एकड़ो तो यो मिक्स सिग्नल जे करे उन जो असर मानन ते घट तो थे खुद मानन जी पंजी केतरी जिम्मेदारी आ तो हु एसओपीस ते अमल कन आई जेकडे अमल नथो करे के तो उनके हुकूमत के किए डील करन खपे छका दिसो ना अस वट त इए जेस ताई मानू था मानू के सख्ती सा नथो रोक जे त वो उनते अमल जे सख्ती सा अमल नथो करा जे नथो ते असन मानू जी पंजी एक नफ्सियत है अलग जेकर ता आराम सा वे उनके समझायो बा वैक्सीन कराण खपे तो वो इन बस में हलिया था सही आए कुछ को छा कुछ भी ना वैक्सीन कराने जो कड़ो फायदो पो वरी अजीब किस्म जो गाल कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कुछ कें तो सही पो नुकसान थी तो इन टाइप जो शूं थियन तो सिंध हुकूमत की कड़ी जिम्मेदारी थे थी तो एसओपी से अमल कड़ी रीत कराए सख्ती करे उन मांग के गिरफ्तार करे कड़ी रीत करे जो यो तजुर्बो गुजरल दफे थोड़ा सिंध गवर्नमेंट किया रद्द मलायो बे नंबर ते गाल आए तो भाई असल में खुद मानन में एकड़ो जैके चब सिविक सेंस वो हुजन एकड़ी सुजागी एकड़ी जो अवेयरनेस जेका थींदी आ वहा हुजन डाढी इंपॉर्टेंट आ प्लस यो तो असा वट जेको मजमू तौर ते मानन जो एकड़ो माइंड सेट आए तो वो चंदा था ही उनन जी फलाणन जी सेवनी कुवतन जी लाबी आ उनन जो जेको सो साजिश आ अड़े किस्म की शूं जो थन थे बिल्कुल अनसाइंटिफिक अनफाउंड तो उ शूं थन थी तो उन खुद खास जो ग्रुप है पूरी उनो सेक्शन है वो उनके प्रोजेक्ट करे तो मान जो गलत फहमियों के बधाए तो नतीजे मू वो ना कन तसो पोलियो वाली जी कंपेन हुई एडी वी जैसे वे पैमाने से मतलब हलण की कोशिश कई हुई ढी सिंसियरी से हलण की कोशिश कई हुई उन बावजूद हाँ किथे को मु गुजरल ठो तो हाँ नो केस को वो नी सको तो केडी वही जंग हुई जो पोलियो के हवा से हवा से अड़ा ही मफरूजा पेश क्या जो मफरूजा मफरूजन के खत्म करने तीका स्टेट मशीनरी है तेके मशरियाती इदारा उतं का जो मुख्तलिफ हवालन से मैसेज थन था उए ते एंटरटेनमेंट वे इन वी इंफॉर्मेशन का वी मुख्तलिफ जो भी थन था उन जरिए थी सकन था वो एकड़ो थी सके तो सुहेल साहब तक एक भेर रोकबो वक्त है नादरीन ब्रेक जो ब्रेक तुम वापस इंदी त सिंध के मामलन के लिए वजीर आजम पाँजो खास मददगार अरबाब गुलाम रहीम साहब के मुकर्र है उनकी एजेंडा होंगी इतने किए कम थी उन मकसद इन से गल पर वूँ था फिलहाल मुख्तसर ब्रेक।